We are going to understand the chapter 8th, Importance of Bacteria. This is the chapter of 9th. I am Gaurav Sisodia. Now let's start our chapter, Useful of Bacteria. Useful bacteria mein sabse pehla point hamara bacteria in medicine. Second point, antibiotics. Third point, vaccine. Fourth point, serum. And fifth point, synthesis of vitamin B. सबसे पहले हम यूजफुल एक्टिविटीज बैक्टीरिया की ले रहे हैं. बैक्टीरिया इन मेडिसिन. सम बैक्टीरिया आर यूजफुल इन मेडिसिन एज वेल एज पेनिसिलियम, पेनिसिलिन, फ्यूजिवेट. कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए मेडिसिन में बहुत आवश्यक हैं, जरूरी हैं, जिसको हमने बैक्टीरिया इन मेडिसिन में लिया है. सभी बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं है, कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी है. सेकेंड पॉइंट में एंटीबायोटिक्स हमारा है. ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स को फॉर्म करता है. एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलियम लूटेटम से एलेक्जेंडर ने पेनिसिलियम को बनाया था. पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और ये एंटीबायोटिक्स में आती है. थर्ड पॉइंट हमारा ये वैक्सीन है कि हम यूजफुल बैक्टीरिया से वैक्सीन का भी फॉर्मेशन करते हैं. वैक्सीनेशन में हम BCG बनाते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए और TAB बनाते हैं हम लोग अन्य रोगों के लिए. जैसे आपने सुना होगा BCG एक इंजेक्शन होता है जो वैक्सीन का काम करता है. उसमें माइक्रोब्स होते हैं और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिजीजेस. कुछ सीरम के लिए भी हम लोग इसमें बैक्टीरिया का यूज करते हैं. ये सीरम एंटीटॉक्सिन और एंटीबायोटिक्स का भी निर्माण करता है. ये सीरम का पॉइंट है. एंटीटॉक्सिन में विषैले पदार्थ होते हैं जो पॉइजनस होते हैं और ये कई प्रकार से काम भी आते हैं. कई मेडिसिन में भी काम आते हैं एंटीटॉक्सिन. ये सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी है. ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को भी बनाता है. विटामिन बी में B1, B2, B3, B4, B5, B14 तक भी होते हैं. B12 भी होता है. विटामिन बी के जितने भी फॉर्म्स हैं वो बैक्टीरिया से ही फॉर्म्ड होते हैं, निर्मित होते हैं. बैक्टीरिया का सबसे पहला हमने एक्टिविटीज ली थी यूजफुल बैक्टीरिया. सेकेंड पॉइंट में हमारा इन एग्रीकल्चर बैक्टीरिया का यूज एग्रीकल्चर में भी होता है. खेती में, कृषि में कैसे हम इसका उपयोग करते हैं. सबसे पहले इसका पॉइंट है मिनरलाइजेशन. मिनरलाइजेशन में हम खनिज तत्वों को बनाते हैं या सॉइल में कुछ बैक्टीरिया अपने आप ही मिनरल का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, ये मिनरल्स हैं जिसको हमने मिनरलाइजेशन बोला है. अमोनिफिकेशन होता है. सेकेंड पॉइंट हमारा अमोनिफिकेशन, ये एग्रीकल्चर में ही आता है. ये भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है. इसमें कन्वर्जन होता है अमीनो एसिड्स का अमोनिया गैस में, जिससे हम अमोनिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. ये अपने आप नेचुरल प्रोसेस होती है. थर्ड पॉइंट हमारा नाइट्रिफिकेशन है. नाइट्रिफिकेशन में हम लोग अमोनिया को अमोनियम कंपाउंड के द्वारा नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं. कुछ बैक्टीरिया अपने आप ही नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और ये नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन अमोनियम कंपाउंड के द्वारा कर देते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा फोर्थ पॉइंट है जो एग्रीकल्चर में आता है. ये बैक्टीरिया के ही द्वारा कंप्लीट होता है. नाइट्रोजीनस बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो नाइट्राइट्स में बदल देते हैं. ये नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स का भी फॉर्मेशन करता है और नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके कुछ कंपाउंड बनाता है जो सॉइल के लिए नाइट्रेट्स का काम करते हैं. ये भी मिनरल्स में आता है. नाइट्रोसाइकिल है. फिफ्थ पॉइंट में हमारा नाइट्रोसाइकिल है जो एग्रीकल्चर का फिफ्थ पॉइंट है. इसके हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड का निर्माण करते हैं जो सॉइल में होता है. सॉइल में कुछ बैक्टीरिया अपने आप ग्रो होकर नाइट्रोजीनस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और ये नाइट्रोजन की मदद से होता है. इसी में हमारा ये सिक्स पॉइंट है
denitrifying bacteria. Denitrifying bacteria में ये सॉइल की फर्टिलिटी को डिकम्पोज करता है, प्रभावित करता है, उसकी क्षमता को कम भी कर सकता है. नाइट्रेट्स सॉइल में फॉर्मेशन करके ये फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, जिसको हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं. यहां पर हमारा अगला एक पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया इन इंडस्ट्रीज. बैक्टीरिया इन इंडस्ट्रीज में सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्यूरिंग ऑफ टी टोबैको. टी टोबैको में क्यूरिंग का मतलब है कि इसकी बिटरनेस को कैसे रिमूव किया जाए. चाय की पत्ती और तंबाकू में जो बिटरनेस है उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए बैक्टीरिया का हेल्प इंडस्ट्रीज में लेना पड़ता है. इंडस्ट्रीज का मतलब यहां पर उद्योग से है, उद्योग जगत. कैसे इसके द्वारा उद्योग करें, व्यापार करें. और टी टोबैको में क्यूरिंग ऑफ टी टोबैको ओनली डन बाय द बैक्टीरिया टू रिमूव द बिटरनेस ऑफ टी एंड टोबैको. Now the second point of the bacteria in industry is the tanning of hides. Tanning of hides is most important to removal of fats, hairs and other tissue from the hides of animal. जंतुओं की खाल से, स्किन से भी ये tanning की जाती है और उससे हम लोग इसके कुछ जो fats और hairs हैं उसको रिमूव कर सकते हैं. ये टेनिंग ऑफ हाइड्स में आता है. ये एनिमल्स की हाइड्स के कारण ही संभव होता है, उसकी रिमूविंग के लिए जरूरी होता है, हेयर के लिए और उसके फैट्स को रिमूव करने के लिए. थर्ड पॉइंट ऑफ बैक्टीरिया इंडस्ट्री इज डेयरी इंडस्ट्री. डेयरी इंडस्ट्रीज में हम लोग जो दुग्ध उत्पादक पदार्थ है उनका निर्माण करते हैं. जैसे आपने मार्केट में चीज देखा होगा, बटर देखा होगा, बटर और चीज का निर्माण भी डेयरी इंडस्ट्रीज के द्वारा ही किया जाता है, इसीलिए इसको डेयरी बोलते हैं. डेयरी माने दुग्ध उत्पादन पदार्थ. इसमें बैक्टीरिया की मदद ली जाती है और बैक्टीरिया से ही चीज और हम लोग बटर का निर्माण कर सकते हैं. यहां पर हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज है. केमिकल इंडस्ट्रीज में हम लोग ग्लूटामिक एसिड, विटामिन्स, एंजाइम्स, डेक्ट्रोस, ब्यूटाइल, एल्कोहल और एसीटोन, मेथिल एल्कोहल, एसिटिक एसिड, विनेगर, इन सबका इस्तेमाल करते हैं. इन सबका फॉर्मेशन, इन सभी केमिकल का फॉर्मेशन बैक्टीरिया के कारण ही संभव है, जो कि केमिकल इंडस्ट्री का एक पार्ट है. ये हमारा फोर्थ पॉइंट था स्टूडेंट्स. अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट पर आ रहे हैं, रेटिंग ऑफ फाइबर्स. कुछ जूट है, कपास है, फ्लैक्स है, जिनके फाइबर्स के द्वारा हम रेटिंग कर सकते हैं. हेम्प भी इसमें से एक है. उसमें से हम हेम्प, जूट, फ्लैक्स में से टिश्यू को रिमूव करते हैं जिससे हम नए पदार्थ बना सकें. जैसे जूट की आपने देखा होगा कुछ झाड़ुआ स्वीट्स भी बनती है और बहुत से पदार्थ हैं, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम डेली रूटीन में लेते हैं, उनको भी रेटिंग ऑफ फाइबर्स के द्वारा ही पूरा किया जाता है. इसमें बैक्टीरिया की हेल्प ली जाती है जिससे हम फाइबर्स के टिश्यू को रिमूव कर सकें और एक नए पदार्थ का निर्माण कर सकें जिसका हम घरेलू उपयोग में यूज कर पाए. यहां पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमारा हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया का है. हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया में किस प्रकार बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाते हैं ये हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं. स्पोलेज ऑफ फूड स्टफ. कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो एडिबल प्रोडक्ट हैं जिनको बैक्टीरिया सड़ा देते हैं, रोटेट कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं. आपने पैकेट्स देखे होंगे, उसमें भी स्मेल आने लगती है, उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है. ये सब बैक्टीरिया के कारण होता है क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर बैक्टीरिया इसको नुकसान पहुंचा देते हैं जो कि फूड स्टफ्स में आते हैं. सेकंड पॉइंट पे हम लोग कॉजेज ऑफ डिसीजेस लेते हैं. कॉजेज ऑफ डिसीजेस ये भी हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया ही है. कैसे बैक्टीरिया डिसीजेस को ग्रो कर सकते हैं, वो बढ़ावा देते हैं डिसीजेस को. इसमें हम लोग बात कर रहे थे डिसीजेस की, तो
डिसीजेस कई प्रकार से ये देते हैं, जैसे टिटनेस है, प्लेग है, सिफिलिस है, टाइफॉइड है, ये सभी बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं। रोगों की कारण और रोगों की उत्पत्ति भी बैक्टीरिया के कारण ही होती है। सेकेंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट पर हम लोग आएंगे डिनाइट्रिफिकेशन या रिड्यूस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। रिड्यूस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी का मतलब है कि नाइट्रोजीनस कंपाउंड की कमी करके बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और वो कई प्रकार की क्रॉप्स और फसलों को अच्छी तरह से सूटेबल फेवर कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाता। ये सारे बैक्टीरिया के हार्मफुल एक्टिविटीज की स्टूडेंट्स हमारे पास। इसके बाद एक पॉइंट और भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग यहां पर, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फंजाई। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फंजाई में सबसे पहला फूड इंडस्ट्रीज है, और फूड इंडस्ट्रीज में हम लोग मशरूम, यीस्ट, विटामिन ई ग्रुप्स के जितने भी विटामिन हैं और बी ग्रुप के जितने भी विटामिन हैं वो फूड इंडस्ट्री में हम निर्माण करते हैं। भोज्य पदार्थ, भोज्य उद्योग, खाने के लिए जो पदार्थ बनते हैं उसमें भी हम फंजाई का उपयोग करते हैं। फंजाई को हम लोग कवक भी कहते हैं हिंदी में, और ये यीस्ट के द्वारा ही निर्मित होता है। फिर एक बार हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इसमें क्या था। ऐसे पदार्थ जो कि मशरूम आपने बाजार में देखे होंगे, मशरूम खाए जाते हैं, एडिबल प्रोडक्ट है, वो फूड है। विटामिन बी, जितने भी ग्रुप होते हैं विटामिन बी के, B1, B2, B3, विटामिन ई के जितने भी ग्रुप हैं उन सबको भी लेते हैं। विटामिन बी को हम लोग थायमिन एसिड भी कहते हैं। ये फंजाई के द्वारा ही निर्मित होते हैं। मेडिसिनल यूजेस फंजाई का कैसे हम लोग कर सकते हैं मेडिसिन यूजेस में, इसके लिए हमें सबसे पहले एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, फ्यूमीगेटिंग और ब्रीडिंग, ये तीन प्रकार के हैं। पेनिसिलिन, फ्यूमीगेटिंग और ब्रीडिंग, ये तीन मेडिसिनल कंपाउंड्स का हम इस्तेमाल करते हैं जो फंजाई के द्वारा बनते हैं। यहां पर सी पॉइंट है हमारा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। फैट्स माने वसा है, वसा युक्त पदार्थ भी फंजाई के द्वारा ही निर्मित होते हैं, हमें उसकी हेल्प चाहिए। फंजाई के बिना हम लोग फैट्स और कई प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण नहीं कर पाते। प्रोटीन से हमारे बाल भी बनते हैं, नाखून बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं। क्रिएटिन प्रोटीन बालों के लिए और नाखूनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कुछ शैम्पू में भी हमने देखा है कि क्रिएटिनस शैम्पू होते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि क्रिएटिन से भरा हुआ है शैम्पू। इसका मतलब है कि इसमें हम पेक्टिनेस भी बना सकते हैं जो फैट्स में आता है, और इसमें हम लोग ग्लूकोज ऑक्सीडेज भी बनाते हैं जो फैट्स में आता है। ग्लूकोज भी एक प्रकार का ही फैट्स का ही प्रकार है, इसलिए इसमें ऑक्सीडेज शब्द आया है। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कुछ और पॉइंट्स पर। स्टूडेंट्स ये हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में हम लोग बात करेंगे कैसे नोडुलेटेड रूट्स लेग्यूमिनेसिस प्लांट्स में होती हैं। ये देखिए रूट्स नोडुल्स, ये रूट्स नोडुल्स का डायग्राम है। ये रूट्स के फाइबर्स हैं, नीचे ये रूट्स लिखा हुआ है, इसी में हम लोग बात कर रहे हैं। रूट हेयर, ये रूट हेयर का इंटरनल डायग्राम दिखाया है हमको। इसमें इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया, ये इन्फेक्टेड हो चुका है नूडल बैक्टीरिया और रूट। ये बैक्टीरिया का ग्रो होना इस रूट को अंदर से रोटेशन देता है, रोटेट कर देता है, स्पॉइल्ड कर देता है, एक प्रकार से ये इसको न्यूट्रलाइज और इनफर्टाइल भी कर देता है। ये प्लांट सड़ने के ओर बढ़ जाता है, ये सड़ जाती है रूट से, ये पौधा प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएगा और इसमें जितने भी फ्लावर्स होंगे उसमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ पौधे अपने आप सड़ने लगते हैं। ये सब बैक्टीरिया के कारण ही होता है। इसलिए इसमें हमने पढ़ा कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में बैक्टीरिया कैसे इन्फेक्टेड करता है रूट हेयर्स को, और वो पूरी रूट में एक सड़न पैदा करता है, स्पॉइल्ड करता है, जिससे वो रूट टोटली डैमेज्ड हो जाती है और वो प्लांट को भी इन्फेक्टेड करने लगती है।
ये रूट फाइबर्स का डायग्राम है नीचे, इसीलिए यहां पर इन्होंने रूट लिखा हुआ है, और ये आपको इंटरनल डायग्राम दिखाने की कोशिश की है। ये इसकी रूट है, ये यहां पर बैक्टीरिया ग्रो हुए हैं और ये नूडल्स को सड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यहां पर एक डायग्राम और है स्टूडेंट्स हमारा, ये डायग्राम स्टूडेंट हमारा नाइट्रोजन साइकिल का है, कैसे नाइट्रोजन चक्र पूरा होता है। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन सबसे पहले नाइट्राइड्स को बनाती है, ये नाइट्रिफिकेशन के कारण होता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से नाइट्राइड्स बनाते हैं सॉइल में। ये नाइट्रोजन प्लांट्स के द्वारा भी उपयोग में आती है, यहां से देख रहे हैं हम लोग प्लांट्स की तरफ जा रहा है एरो। ये एब्जॉर्प्शन के कारण प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एनिमल्स को फूड देते हैं। ये फूड आप देख रहे हैं ऑफ फूड लिखा हुआ है, एनिमल्स को प्लांट से ही फूड मिलता है, इसलिए ये नाइट्रोजन एनिमल्स की ओर बढ़ जाती है। एनिमल्स अमोनिफिकेशन करते हैं, डेथ एंड डिके, मृत और अवशेषी पदार्थों से ये एनिमल इस नाइट्रोजन को अमोनिफिकेशन अमोनिया और अमोनियम सॉल्ट्स में बदल देते हैं। इसके बाद इनका नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के कारण नाइट्रिफिकेशन होता है, और ये अमोनिया आगे की ओर चलकर यहां पर नाइट्राइड्स बनाती है सॉइल में। ये नाइट्राइड्स बैक्टीरिया के द्वारा फिर नाइट्रिफिकेशन करते हैं, ये नाइट्राइड फिर सॉइल में बनती है। आगे चलकर यही डेंट्रिफिकेशन होता है प्रोसेस, जो कि बैक्टीरिया के कारण ही होता है, और ये बैक्टीरिया इसको सॉइल की फर्टिलिटी को भी खराब कर देता है। सॉइल की फर्टिलिटी जब खराब हो जाती है उससे प्लांट अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाता। इसी में स्टूडेंट्स हम देखें तो बाय एब्जॉर्प्शन प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को, और ये दोबारा से इसको एनिमल्स को देता है, फिर अमोनिफिकेशन होता है, अमोनिफिकेशन में फिर अमोनिया और अमोनियम सॉल्ट्स के कंपाउंड्स बनते हैं, ये सब सॉइल में कंप्लीट होते हैं। सॉइल में कंप्लीट होने के बाद ये नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है, ये बैक्टीरिया के कारण ही कंप्लीट हो पाती है, और इससे नाइट्रेट्स फिर बन जाते हैं। इस प्रकार ये पूरा एक चक्र लगातार एटमॉस्फेयर में चलता रहता है, जो हमेशा कंटिन्यू रहता है। अब हम लोग स्टूडेंट्स आगे चलेंगे, जो कि स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले लेंगे ये, इसमें प्यूट्रिफिकेशन है। प्यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस क्या है? इनकम्प्लीट डिके ऑफ प्रोटीनिसियस मटेरियल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एमिटिंग फाउल स्मेल, ये प्यूट्रिफिकेशन में आ गया हमारा स्वेट्स। वैक्सीन की अगर हम बात करें, सस्पेंशन ऑफ हीट किल्ड पैथोजेंस दैट इंक्लूड इम्यूनिटी इन ऑर्गेनिज्म बाय स्टिमुलेटिंग फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अमोनिफिकेशन की बात करें स्टूडेंट्स, कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड्स इन अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। पास्चराइजेशन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, हीटिंग ऑफ मिल्क एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स फॉलोड बाय सडन एंड रैपिड चिलिंग, आई टोल्ड यू अबाउट दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लिस्ट वेरियस डिसीजेस कॉजेज बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसको स्टूडेंट्स लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे एनिमल बैक्टीरिया को, ब्लैक लैग डिसीज, ये बैक्टीरियल डिसीज है एनिमल्स में, और एंथ्रेक्स भी एनिमल में ही होती है बैक्टीरिया के कारण, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ कैटल ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होती है। प्लांट डिसीज की बात करें जो बैक्टीरिया के कारण होती है, तो प्लांट में पोटैटो बिल्ट होता है, कारकून गॉल होता है, और सिट्रस कैंकर होता है। फंगल डिसीजेस के भी बारे में बात करेंगे कि फंजाई कैसे एनिमल में डिसीज फैलाते हैं, तो फीवर, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जीज, ये तीन रोग ऐसे हैं जो फंजाई एनिमल में डेवलप करता है। प्लांट्स में कौन से डिसीज हैं जो फंगल डिसीज कहलाती हैं? ये ब्लाइट ऑफ पोटैटोज भी करता है, रस्ट इन वीट करता है, पाउडरी मेल्ड्रीज करता है, वाइट रस्ट इन क्रूसीफर्स, ये भी प्लांट का ही रोग है जो फंजाई के द्वारा होता है, स्मट्स इन वीट एंड इन मेज एंड अदर क्रॉप्स में भी ये फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स लेंगे कुछ। पेनिसिलियम वॉज डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
इसमें हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे स्टूडेंट्स बी पॉइंट पर, डैश एंड डैश बैक्टीरिया हेल्प इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया हेल्प इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है हमारा, इसमें ये डी पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये किससे आएगा, ये आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस, उससे प्राप्त किया जाता है। सिट्रिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस एस्परजिलस, इसमें ये आएगा स्टूडेंट। कुछ एक आध और ये पॉइंट ले लेते हैं इसमें, बैक्टीरिया दैट हेल्प इन एग्रीकल्चर, सूडोमोनास बैसिलस रोमेसस नाइट्रोबैक्टर एजिटोबैक्टर, ये बैक्टीरिया एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं। इंडस्ट्री के कौन से बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस क्लोस्ट्रीडियम, ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं इंडस्ट्री में। फंजाई इन मेडिसिन, ये देखते हैं फंजाई इन मेडिसिन में, पेनिसिलियम नोटेटम एस्परजिलस फ्यूमीगेट और ग्लियोक्लेडियम वायरेंस, ये मेडिसिन में इस्तेमाल होने वाले फंजाई। बैक्टीरिया इन डिसीजेस की बात करें तो ये हमारा यहां पर है, कौन कौन से हैं, डिप्लोकोकस निमोनिए सल्मोनेला टाइफोसा क्लोस्ट्रीडियम टाइटनी विट्रियो विब्रियो कोलरी ट्रपैनोसोमा पेलिसम एंड पास्चुरेला पेस्टिस, ये सब बैक्टीरिया जो हमारे डिसीज को करते हैं। इसमें कुछ ये पॉइंट्स दिए स्टूडेंट्स, स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस के सामने हमें लिखना है कि इसमें क्या आएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन आएगा। टेट्रा साइक्लिन किससे प्राप्त होता है हमें, ये हमें बताना है, टेट्रा साइक्लिन के सामने आएगा हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस। इसमें इसने पूछा है स्ट्रेप्टोमाइसिस रोमेसिस किससे प्राप्त होता है, तो इसके लिए हमें स्टूडेंट्स लेना पड़ेगा स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रिन्स, इसमें आएगा ये क्लोटेरामाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन किससे प्राप्त होता है ये बताना है स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेंजुले किससे प्राप्त होता है ये बताना है हमें इसमें, तो ये हम बताएंगे इससे कौन सी एंटीबायोटिक आती है, ये आती है हमारी क्लोरोमाइसिटी। और बैक्टीरिया ब्रैक्टीन किससे प्राप्त होगा हमें, बैसिलस लाइकनी फोर्सिस, इसी प्रकार हम इनको भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें निमोनिया आएगा, इसमें सल्मोनेला टाइफोसा आएगा, ये हमें किससे डिसीज मिलेगी, इसकी डिसीज होगी यहां पर टेटनस, और यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, कोलेरा। प्लेग किससे फैलेगा स्टूडेंट्स, ये फैलेगा पास्चुएला बोट्रेलियम से, इसी प्रकार आप इनको भी दे सकते हैं। लास्टली सिफिलिस किससे मिलेगा, ट्रपेनोमा पेलिबियम से। बाकी क्वेश्चन भी आपको ये नीचे बुक में मिल सकते हैं, आप बुक से भी इसके आंसर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे पॉइंट को ले रहे हैं रोल इन इंडस्ट्री। रोल इन इंडस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इन ब्रीवरीज। इन ब्रीवरीज में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे वाइन है, विस्की है, बियर है, जो ड्रिंक प्रोडक्ट्स हैं वो सभी इन ब्रीवरीज में आते हैं। इनके द्वारा ही, फंजाई के द्वारा ही हम लोग इनको बना सकते हैं, इसीलिए ब्रीवरीज में इसका सबसे बड़ा रोल है और इसका इंपोर्टेंस भी है इंडस्ट्री में। सेकेंड पॉइंट में हम लोग इन चीज प्रोसेसिंग में बात करेंगे, जिसमें ब्रेड चीज प्रोसेसिंग में हम लोग चीज के फ्लेवर को और कई प्रकार के जो चीज हैं उनके फ्लेवर की भी प्रोसेसिंग करते हैं। इसमें एक पॉइंट और है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग इन ब्रेकरीज कहते हैं। ब्रेकरीज में जैसे केक है, ब्रेड है, उसका भी हम लोग निर्माण करते हैं। ब्रेकरीज में सबसे बड़ा इसका रोल है इंडस्ट्री में। ये थर्ड पॉइंट हमारा है यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग एसिटिक एसिड, गैलिक एसिड और ग्लूकेटोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक केमिकल के ही फॉर्म है और जिससे केमिकल इंडस्ट्री डेवलप होती है। ये सब फंजाई के कारण होता है। यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट इन ब्रेकरीज है। ब्रेकरीज में हम लोग ब्रेड, केक और जितने भी ब्रेकरी प्रोडक्ट होते हैं उनका फॉर्मेशन हम फंजाई के द्वारा करते हैं। ये रोल इन इंडस्ट्रीज है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही था इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई, कैसे हम इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अलग अलग पदार्थ, अलग अलग फ्लेवर से हम लोग बनाते हैं,
उसके बारे में हमने बात करी। तो सबसे पहले ब्रूरीज जैसे वाइन, बियर और विस्की, इन चीज के जितने भी फ्लेवर हैं वो सब हम लोग इससे बना सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें हम लोग एसिडिक एसिड, एसीटोन और ग्लूटेमिक एसिड भी बनाते हैं। यहाँ पर इन ब्रेकरीज में ब्रेड, केक और जितने भी ब्रेकरी की प्रोडक्ट हैं वो सब हम लोग यीस्ट या फंजाई से बनाते हैं। इसकी अलग अलग स्पीसीज अलग अलग काम करती है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है हार्मफुल एक्टिविटीज। हार्मफुल एक्टिविटीज में सबसे पहला है ह्यूमन डिसीजेस। ह्यूमन डिसीजेस में मानवीय रोग की बात करेंगे, कई प्रकार के मानवीय रोग जैसे फंगल इंफेक्शन, फंगल फीवर और एलर्जीज। त्वचा में या स्किन में कई प्रकार की एलर्जीज होती हैं, वो सब फंजाई से और फंगस के कारण होती हैं, और उनमें रिमूव करने के लिए भी हम कुछ मेडिसिन का उपयोग करते हैं जो भी फंगस या फंगल इंफेक्शन को दूर करने में मदद करती है। प्लांट डिसीज है पौधों में होने वाले रोग। पौधों में होने वाले रोग कई प्रकार के, जैसे इसमें ब्लाइट ऑफ पोटैटोज है, पाउडरी मिल्डीज है, वाइट रस ऑफ वीट, मेज एंड राइस है। ये सेरियल क्रॉप्स में होती है। अनाजीय पौधे, अनाजीय पौधे माने जिनसे अनाज उत्पन्न होता है, खाने वाले अनाज, उसमें गेहूं पर भी व्हाइटिश रस्ट लगती है, कुछ गेहूं अंदर से सड़ जाते हैं और वो व्हाइट रस्ट के रूप में, व्हाइट पाउडर के रूप में वो खराब होने लगते हैं। ये सब प्लांट डिसीज में आते हैं। ये फंजाई की हार्मफुल एक्टिविटीज है। ये है नुकसानदेह क्रियाएं। अब है हमारे पास फूड स्पॉइलेज। थर्ड पॉइंट, फूड स्पॉइलेज में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट, डेयरी मीट, डेयरी और ब्रेड, इनको ये खराब कर देते हैं। आपने ब्रेड में देखा होगा उन पर मैन्युफैक्चर के साथ साथ उनका एक्सपायरी डेट भी लिखा होता है। उस समय के बाद ब्रेड या खाने वाले सारे पदार्थ खराब हो जाते हैं और वो सड़ने लगते हैं। ये फूड स्पॉइलेज में आते हैं। स्पॉइलेज माने खराब कर देना, उसको अखाद्य बना देना। यहां पर हमारा डी पॉइंट है स्टूडेंट ट्रॉपिकल डेन्यूट्रिशन। ट्रॉपिकल डेन्यूट्रिशन में हम लोग उन चीजों की बात करते हैं, लेदर गुड्स, फंजाई स्पॉइल लेदर गुड्स। फंजाई खराब कर देता है। लेदर गुड्स का मतलब है यहां पर चमड़े के पदार्थ, चमड़े के उत्पाद। चमड़े के उत्पादों में जो सड़न और रोटन होती है वो फंजाई के कारण ही होती है। कभी कभी कपड़ों को, क्लोथ्स को और फोटोग्राफिक मटेरियल, फोटो सड़ जाते हैं, फोटो गल जाते हैं, कागज गल जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी बहुत प्रकार के नुकसान हो जाते हैं। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें, फोटोग्राफिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल ना करें, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल ना करें, तो वो भी सड़ जाते हैं, स्पॉइल होने लगते हैं। ये सब फंजाई के कारण ही होता है। तो यहाँ पर हमने चार पॉइंट लिए, ह्यूमन डिसीज, प्लांट डिसीज, फूड स्पॉइलेज, ट्रॉपिकल डेन्यूट्रिशन। अब हम आगे बात करेंगे, ये हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें, प्रोटेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए फूड को खराब होने से। इसमें पहला पॉइंट है हमारा लो टेम्परेचर। हम लो टेम्परेचर पे किसी भी रेफ्रिजरेशन में या फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, मिल्क को और अन्य एडिबल प्रोडक्ट को लो टेम्परेचर में रख के, कम तापमान पे रख के उसको सड़ने से बचाया जा सकता है। इसीलिए हम फ्रिज में सारे खाने के पदार्थ को रख लेते हैं, जिससे दूध है, अन्य सब्जियां हैं, फल हैं, वो सड़ने से बचती हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया या फंजाई ग्रो नहीं हो पाते। हाई टेम्परेचर का मतलब है कि कैसे उसको हाई टेम्परेचर, बॉइलिंग ऑफ वाटर कैन रिड्यूस द फंजाई एंड सम अदर इंफेक्शन एंड रोटेशन। कैसे? स्टेलाइजेशन के द्वारा हम हाई टेम्परेचर पर इसको कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन हम कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पे। प्रिजर्वेशन संरक्षण कहलाता है। प्रेशर कुकर के मदद से हम कई खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचा सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसमें आगे एक पॉइंट पर बात करेंगे, पास्चराइजेशन। ये लुईस पास्चर के द्वारा बनाई गई प्रोसेस है। लुईस पास्चर ने बताया था कि पास्चराइजेशन में हम मिल्क को तेजी से गर्म करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर उस मिल्क को हम एकदम चिलिंग कर देते हैं, रैपिड चिलिंग ऑफ द मिल्क।
बहुत तेजी से उसको ठंडा किया जाता है और फिर वो दूध या मिल्क बहुत लंबे समय तक खराब होने से बच सकता है। तो तीन प्रोसेस थी, प्रोटेक्शन ऑफ फूड में कैसे स्पोलेज होने से बचाएं, लो टेम्परेचर कम तापमान पे फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रख के फलों सब्जियों और खाद्य पदार्थों को हम सड़ने से बचा सकते हैं, और हाई टेम्परेचर पे हम लोग बॉइल कर सकते हैं कुछ पदार्थों को, खाने वाले उत्पादों को, उससे उसकी जो नुकसानदेह फंजाई है वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। यहां पर पास्चराइजेशन में भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। पास्चराइजेशन केवल और केवल मिल्क के लिए होता है, ऐसा नहीं कि आप सब्जी का पास्चराइजेशन कर रहे हैं। मिल्क के पास्चराइजेशन में 60 डिग्री सेल्सियस तक हम मिल्क को तेजी से गर्म करके और एकदम उसको रैपिड चिलिंग देते हैं जिससे कि दूध सड़ने से बच जाए। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग डायग्राम से पढ़ेंगे।